हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने चाह रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये एक कहानी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु भक्ति से मन की शुद्धि। नरेंद्र डे यानी कि स्वामी विवेकानंद अपने छात्र जीवन में आर्थिक विषमता से जूझ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण से कहा कि यदि आप काली माँ से प्रार्थना करेंगे तो वह मेरे वर्तमान आर्थिक संकट दूर कर देंगी। रामकृष्ण जी बोले, नरेन संकट तुम्हारे हैं, इसलिए तुम स्वयं मंदिर में जाकर काली माँ से मांगो, वह अवश्य सुनेगी। यह कहकर उसे मंदिर में भेज दिया। वहां उसने और कुछ न कहकर माँ मुझे भक्ति दो कहा और फिर गुरुजी के निकट लौट आया। उन्होंने पूछा, क्या मांगा? माँ मुझे भक्ति दो, नरेंद्र ने कहा। अरे इससे तेरे संकट दूर नहीं होगे, तू फिर से अंदर जा और माँ से स्पष्ट मांग। वह गया और उसने पूर्ववत जैसा किया। जब तीसरी बार जाने पर भी उसने काली माँ से केवल यही कहा कि माँ मुझे भक्ति दो, तब परमहंस जी हंसे और कहने लगे, नरेन मुझे मालूम था तू भौतिक सुख नहीं मांगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है और इसलिए मैंने तुम्हें तीनों बार भक्ति मांगने के लिए ही अंदर भेजा था। तेरे वर्तमान आर्थिक संकट का समाधान तो मैं स्वयं ही कर सकता था। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि एक विशुद्ध गुरु अथवा भक्त के सानिध्य में रहने से मन का शुद्धिकरण करना सरल व सहज हो जाता है। हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र अल्फ्रेड फोर्ड यानी कि हेनरी फोर्ड III ने इस्कॉन के संस्थापक श्री स्वामी प्रभुपाद की शिष्यता ग्रहण कर और उनके साथ भारत में कुछ महीने रहकर अपने मन की शुद्धि की थी, अर्थात अध्यात्म का बीजारोपण किया था। बाद में स्वामी जी ने अपने शिष्य अंबरी दास को वापिस अमेरिका भेज दिया था। यह एक उत्तम उपाय बताया गया है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के निकट उसके शिष्य का अंतर्मन सदा बना रहता है और वे उसकी आत्मा उन्नति का मार्गदर्शन स्वयं करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की शुद्धि के लिए पहले जिज्ञासु बने और फिर संत की पहचान के विवेकी बने।